सिस्टर कहते हैं कि इनको पहले सरेंडर इमीडिएटली। पहला बच्चा उनका 3 साल का है, 3 साल का है हाँ, और वो कहते हैं कि जब वो सेकंड टाइम प्रेग्नेंट रहे 2022 में, उस समय में इसकी शुगर और ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया था, और कहते हैं जब वो कमान हॉस्पिटल में एडमिट थे उस समय अचानक सुबह डिलीवरी के समय उन्हें ससुन हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और उनका शुगर और बीपी इतना बढ़ गया, डॉक्टर ने कहा था कि पेपर साइन कर दो, बचने की संभावना बहुत कम है। ओके। सिस्टर कहते हैं कि वहां पे से उन्हें दर्द होने लगा, उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु 11 बजे से पहले मेरी डिलीवरी होनी चाहिए, और कहते हैं 10:20 पे प्रभु ने उनकी डिलीवरी नॉर्मल की। डॉक्टर ने कहा था कि अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई तो 1,00,000 रुपए खर्चा आएगा, पर वो कहते हैं प्रभु से प्रार्थना करने के बाद फ्री में उनकी डिलीवरी वहां पर हुई, नॉर्मल हुई, बच्चा भी अच्छा है, उनकी तबीयत भी अच्छी है, प्रभु के नाम पर धन्यवाद। यू आर वेरी हैप्पी, यस, गॉड ब्लेस देम, यस, ब्रिंग दैट।